क्योंकि हमने ऐसा सुना है कि जैसे कोई क्रिकेटर सफल होता है एकदम यंग क्रिकेटर तो बहुत सारे इंडोसमेंट के ब्रांड मॉडलिंग के बहुत सारे ऑफर बहुत सारे पीआर वाले एकदम से आके एकदम झपट्टा मारते होंगे यार ये यंग टैलेंट इसको पकड़ो नहीं करते हैं बिल्कुल और इट्स इंपॉर्टेंट है कि आप इंडोसमेंट करो अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस करे हो बट जो एक डिस्ट्रैक्शन है वो नहीं करना है आसपास क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग भी आप कोशिश करते हो बॉलीवुड कर लो क्या बॉलीवुड कर लो मतलब बॉलीवुड में जाओ यू कैन मीट समवन बट खेल से ही आप पहचाने जाओगे ना आप, आप देखोगे बॉलीवुड क्रिकेट का बड़ा पुराना नाता रहा है वो तो काफ़ी सारे पार्टी में भी होती थी कि आप ये कोशिश करो कि आप किसी को डेट करोगे या वैसे करोगे मैंने कहा हम तो देसी लोग हैं घर में अलाउड ही नहीं है उनको बहुत रिस्पेक्ट है सबको सारी चीज अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है वो पीआर वाले बोलते थे कि आप क्रिकेटर हो मार्केटिंग टीम किसी हीरोइन को जाके डेट करो उससे माइलेज आपको लगता है मार्केटिंग होती है वो वैसे लोग सोचते थे वो मैंने कहा हम तो करेंगे नहीं हम तो खेल से ही जानेंगे खेलेंगे वो नहीं पर क्रिकेटर्स ने एक्ट्रेसेस को डेट भी किया है शादी भी की है नहीं बिल्कुल अब टाइम चेंज हो गया है वो अब जिससे आप प्यार करते हो तो मोहब्बत है वो तो करना भी चाहिए बिल्कुल लेकिन हम जब प्यार ऐसे अगर बोलेगा आपको जब प्यार नहीं तो आप कैसे कर लोगे प्यार होना बहुत ज़रूरी है ना वो कह रहे हैं प्यार करो आप कह रहे हो पहले प्यार तो हो बिल्कुल प्यार होगा तभी तो आगे काम बढ़ेगा ना तो पढ़ना ही नहीं है वो पहले खेल ही ऐसा है होगा पहले तो आप खेल नहीं रहे हो टीम में अब जद्दोजहद चल रही है आप कोशिश करते हो रन बनाओ रन बनाओ बहुत सारे ऐसे लड़के हो और काफ़ी लोगों का क्रिकेट भी ख़राब हुआ मैं चाहता हूँ कि वो फोकस रहें किसका जिसके बहुत सारे प्लेयर देखेंगे आप काफ़ी आपने पुराने भी देखे होंगे मेक श्योर कि क्रिकेट फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए उनकी प्रायोरिटी कुछ और हो गई थी नहीं फिर टाइम है आप फोकस हट जाता है ना वो चीजों से फिर आप वही जैसे आपने कहा कि पार्टी करोगे आईपीएल तो और आगे बढ़ गई हैं अब और मुश्किल की पहले तो आठ टीम थी अब दस टीम में चार टीमें क्वालिफाई करेंगी तो दो एक्स्ट्रा आ गई ना अब क्यों नहीं जीत पा रही आर नहीं जीतना चाहिए अभी लड़कियाँ जीत के हैं अब लड़कों को जीतना ही पड़ेगा विराट कब से रन बना है वो देखिये दो से लगा हुआ है वो

हमें जीतना ही नहीं है नहीं अभी बीच में ना राइडो ने बहुत अच्छी बात बोली थी हाँ कि ऊपर जो प्लेयर है ना वो प्रेशर में नहीं खेलना चाहते बीच में बीच में प्लेयर ही नहीं है उनके पास अब धोनी क्यों जीती नीचे धोनी की जो टीम धोनी भाई नीचे बैटिंग करते एल बी मोकल थे एम आई क्यों जीती उनके अब ब्रेवो थे पोलार्ड थे सीनियर प्लेयर एक्सप्लोजिव डेली क्यों बीच में कभी प्लेयर ही नहीं है उनके पास वीरू भाई ऊपर खेलते थे जब टीम उनकी पी मैग्राथ भी थे उधर ए बी डिविलियर्स डेविड वॉर्नर भी थे उधर आरसीबी में विराट ऊपर रन बनाता है, नीचे रन ही नहीं बना रहे है कोई भी